यस बेटे, सब तो पहला आपां अज स्टार्ट करदे आ कंप्यूटर दा वद्दा प्रभाव लेख। हुण कंप्यूटर दा लेख स्टार्ट करन तो पहला तुसी मैनूं कंप्यूटर दे बारे थोड़ा जिहा दसोगे, क्योंकि तुसी तां अपना एज ए सब्जेक्ट इस कंप्यूटर नूं तुसी एज ए सब्जेक्ट थ्योरी च प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, तुहानूं सब नूं इहदे बारे नॉलेज है। इहदे बारे थोड़ा जिहा बोलो, जिन्हों कहते ना स्पीकिंग स्किल्स आ जाता है टॉपिक। चलो कौन बोलेगा? वेरी गुड, रेज योर हैंड्स। यस बेटी, कंप्यूटर के बारे थोड़ी जी अपने वालों जानकारी दो मैनू, फिर आप अगों स्टार्ट करिए, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप डिस्कस करिए। यस बच्चे, मैं पर्टिकुलर नेम बोला फिर बच्चे बोलोगे? कौन बोलेगा बेटे कंप्यूटर दे बारे? अशीन बोलेगी? अशीन, एक चोर। यस मैम। हाँ जी बेटे, अशीन कंप्यूटर दे बारे थोड़ा जा दसो कि कंप्यूटर की है। 4-5 लाइंस बोलो, फिर अगे आप कंटिन्यू करिए इनू। यस हाँ, बच्चे, मैं ट्राई कर लेनी हूँ। हाँ बच्चे, हाँ मैम, कंप्यूटर वर्तमान विज्ञान भी एक मनुख कार्ड है जिस विच आज दे युग विच कंप्यूटर दा एक बहुत ही अद्भुत अद्भुत अते मत अद्भुत देन है, जिस दे विच एक कंप्यूटर एक मशीन ही है जेडे साडे सारे कम्मां नूं आसान बनांदी है। कंप्यूटर अजकल सारिया ही जगह ते वेख्या जाता है, जिवें कि दफ्तर, घर, स्कूलों विच, ते एदा ही बहुत ज्यादा महत्व है। दफ्तरां विच अते स्कूलों विच एदी सब तो ज्यादा वरतों होंदी है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल विच ही कंप्यूटर दी बहुत ज्यादा हाँ, इस्तेमाल करते हैं। लाजमी विषय के तौर पे पढ़ रहे ने बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। चलो हरजोत, तुसी बोलो बेटे। हरजोत, कंप्यूटर के बारे यस मैम, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस विच असी लोड़ सूचना दिंदे हन ते ओ सानू नतीजे कढ के दिंदा है। गुड, वेरी गुड। और बच्चे, सीपीयू कंप्यूटर दा दिमाग हुंदा है। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिनू कहने आपां, वेरी गुड वेरी इस दे दो भाग हुंदे हन, हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर। गुड। हार्डवेयर की हुंदा है? हार्डवेयर की हुंदा है? हार्डवेयर जो सानू दिसदा है ते असीं उसनू छू सकदे हन, जिवें मॉनिटर, सीपीयू यस, कंप्यूटर दे ते। जिहड़े हिस्से ने, कंप्यूटर दे जिहड़े अंग ने, ओह हार्डवेयर है। ते जिहड़े असीं कंप्यूटर ते प्रोग्राम चलांदे आ उहनां नूं की कहने आपां? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। चलो अज आपां इही लेख करते हैं, गुड आंसर। तुहानूं काफ़ी नॉलेज है कंप्यूटर दे, क्योंकि अजकल तां सारियां विद्यक संस्थावां दे विच, अदारियां दे विच कंप्यूटर पढ़िया जांदा है। फर्स्ट क्लास तो लै के 12th क्लास तक जिहड़े स्कूल ने उहनां च लाजमी विषय दे तौर ते पढ़दे है बच्चे, नाल थ्यूरी भी करदे और प्रैक्टिकल भी करदे है। इस करके बच्चों नूं इहदे बारे काफ़ी नॉलेज है। आपां हुण थोड़ा जिहा इहदे बारे पढ़ते हाँ, क्योंकि इह तुहाडे राइटिंग स्किल का पार्ट है। कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये मनुखी विज्ञान दियां काढ़ां ने। हुण आपां इस तों पहलां इक कोटेशन लिखो। कोटेशन जिहड़ी है, ये जिहड़ी कोटेशन मैं ब्लैकबोर्ड ते लिखी है, इहनूं नोट करो। अपनियां अद्भुत काढ़ां करके जिसने कीता जग हैरान, सुख साधन जिस पैदा कीते उसनूं कहिंदे ने विज्ञान, ब्रैकेट विच कंप्यूटर। ऑलरेडी तुसीं जूनियर क्लासेस तों करदे आ रहे हो, ठीक है ना? मैनूं लगता है लेख भी तुसीं जूनियर क्लासेस भी कीता होना 7th 8th विच कितना ना कितने। सुख साधन जिस पैदा कीते उसनूं कहिंदे ने विज्ञान, ब्रैकेट विच कंप्यूटर। जे मोबाइल लेख आए तां मोबाइल, ठीक है, जे मनुख ते विज्ञान लेख आए तां मनुख ते विज्ञान, उहदे विच भी सेम कैप्शन आनी है, ठीक है। ए वाली कोटेशन है जड़ी, सारे जड़ियां भी विज्ञान दी कोई भी कार्ड, कोई भी लेख आपां करदे आं उहदे विच आनी है, ठीक है बच्चे। अगो करिए आपां जान पछाण। पहला सारे टाइटल लिख लो, टाइटल लिखो जिहड़े तुसीं अपनी फेयर नोटबुक दे ग्रामर पार्ट दे विच कोटेशंस लिखनी है, ते नाल टाइटल लिखनी है।
ऐसे कंप्लीट नहीं ही लिखना क्योंकि ये तो थोड़ी अपनी सैल्फ फ्रेमिंग है तुहानू इहदे बारे की एक्सप्लेनेशन देना है हरेक पॉइंट दे विच वो तुहानू पता होना चाहिए ठीक है। हुण तुहाडा जिहड़ा होमवर्क है की करन वाला है पहला जफरनामा एकांगी कंप्लीट करना है उहदे पात्रां दा पात्र सारी करनी है वड्डे क्वेश्चन करने हैं कविता का केंद्रीय भाव करना है जिहड़े वड्डे क्वेश्चन आपां डिस्कस किए ने वह करने हैं तो ग्रामर पार्ट दे विच गग्गा भाग मुहावरिया के सिर्फ वाक तुसी बनाने ने अर्थ तुहाडी बुक च ने वो आपां डिस्कस करते हैं वाक तुसी अपनी समझ अनुसार तुहाडी सैल्फ फ्रेमिंग है तुसी आम जिंदगी चो घरेलू जिंदगी चो समाजिक जीवन चो वाक बनाने ने गग्गा भाग जिन्ने मुहावरे आप अज करांगे और नाल तुसी कंप्यूटर जिहड़ा आपां लेख करन जा रहे हैं इहदे तुसी पॉइंट्स लिखने नंबर वन ते है जान पछाण उस तो बाद है अज दा युग कंप्यूटर दा युग उस तो बाद है कंप्यूटर की है नैक्सट वन इज कंप्यूटर दी वरतों हुण वरतों दे अगे सब टाइटल ने किहड़े किहड़े अदारियां विच वरतों है बैंकां दे विच कंप्यूटर दी वरतों व्यापारिक अदारियां विच कंप्यूटर दी वरतों दफ्तरी कम्मां काजां विच कंप्यूटर दी वरतों विद्यक संस्थावां दे विच कंप्यूटर दी वरतों हुण इस तों बाद इह तां सीगे मेन जिहड़े विभाग ने इस तों बाद सिहत दे खेत्र विच डॉक्टरी खेत्र विच कंप्यूटर दी वरतों रिजर्वेशन दे खेत्र विच जिहड़ी आपां रिजर्वेशन करवाने हाँ किते जाना है संचार दे खेत्र विच की सहूलतां मिलियां ने कंप्यूटर राही पुलाड़ दे खेत्र विच कंप्यूटर दी वरतों ठीक है। इस तों इलावा अपराधियों नूं पकड़न विच उहनां दी जांच करन विच जांच पड़ताल करन विच कंप्यूटर सहायता करदा है। हुण लास्ट एक होर पॉइंट है ऑनलाइन खरीददारी दे विच जिहड़ा कंप्यूटर ने तो कमाल कर दिखाया जदों इह सिचुएशन इदां दी बणी है घर बैठे ही सारे ऑनलाइन जिहड़े ने जिहड़ियां वख-वख वैबसाइट्स जिहड़ियां वख-वख साइडां आउंदियां ने मंत्रा है एमाजोन है बहुत सारियां ने उहनां ते तुसीं अपना करो उहनां नूं डाउनलोड करो ते उहदे ते तुसीं खरीददारी ईजीली कर सकदे हो घर बैठे। हाँ जे इहदी असीं दुरवरतों करदे हां तां बहुत सारे नुकसान भी ने होए भी ने नुकसान। हुण बच्चे अजकल पढ़ाई कर रहे ने कंप्यूटर दे राही मोबाइल दे राही ऑनलाइन क्लासेस लग रही ने क्योंकि विद्यक संस्थावां बंद हुई पईआं ने वह किते ना किते बच्चों ते मानसिक दबाव है मानसिक तनाव है इस करके सेहत ते इहदा प्रभाव भी पिया पर गल है इहदी सही वरतों की ठीक है। ये आपां हुण डिस्कस करते हैं सब तो पहला गल करिए जान पहचान की कंप्यूटर 20वीं सदी तो दी विज्ञान की महान देन हुई है 20वीं सदी तो स्टार्ट हो गया सी जिसने मनुखी जिंदगी नूं इन्ना आसान बना दिता है कि हर काम इसकी सहायता दे नाल हो रहा होर लग पिया। अज 21वीं सदी विच जदों असीं 21वीं सदी विच विचर रहे हां तां कंप्यूटर ने होर नवें नवें कमाल कर दिखाए ने इस करके अज दे युग नूं जे कंप्यूटर युग कहा जाए तो कोई अतकथनी नहीं होगी। अज दे युग नूं क्या ही कंप्यूटर दे युग विच असीं विचर रहे हां ठीक है। हुण कंप्यूटर अज दा युग कंप्यूटर दा युग अगला टाइटल ये दिओ अज दा युग 21वीं सदी दा युग कंप्यूटर दा युग है। अज दे युग विच भारत ने भारत नूं ही सुपर कंप्यूटर युग बना के दुनिया दे विच कंप्यूटर दे खेत्र दे विच उच्चा उच्चा मुकाम हासिल कर लिया उच्चा मुकाम हासिल कर लिया। जे तुसी दूसरे कंट्रीज देखो पछमी कंट्रीज जड़े पछमी देशों दे विच बहुत सारे कंप्यूटर जड़े ऑपरेटर ने ना जड़ियाँ वैबसाइट्स बना रहे ने ऐप बना रहे ने वो साढ़े भारती ने भारती ही हैं। इस करके कंप्यूटर ऑपरेटर जिन्होंने वख-वख वैबसाइट्स क्रिएट करके वख-वख ऐप्स बना के आर्थिक खेत्र दे विच कमाल कर दिखाया। कंप्यूटर एक अजिही मशीन है जिहड़ी के जो भी असी इहदे विच फीड करदे हाँ उहदे सानू सही नतीजे दिंदा है। जिस व्यक्ति नूं अज दे युग विच कंप्यूटर दा ज्ञान नहीं है ना उहनूं कोई पुछदा ही नहीं है वह किते फिट नहीं बैठता। जदों भी किते भी कोई नौकरी लैनी है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन च किसी भी कंपनी च तां तुहानूं कंप्यूटर दी नॉलेज होनी जरूरी है। कहिंदे कंप्यूटर की नॉलेज तो बिना इंसान कितने भी फिट नहीं बैठता।
हुण तुसी अपने विद्यक अदारियां च भी देख लो जिहड़े टीचर्स ने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं सी लई पर हुण सिचुएशन इदां दी बन गई हर टीचर नूं हर अध्यापक नूं कंप्यूटर की ज्ञान होना जरूरी है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सब कुछ आना जरूरी है वह तो तुसी हुण देखिया ही है कि सारा अध्यापक वर्ग किवें कंप्यूटर की मदद नाल मोबाइल की मदद नाल वख वख जिहड़े टीचिंग एप्स ने उन्हां तों पढ़ा रहे ने ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ये हुण तुसी सब देख ही रहे हो इस करके अज दे समय विच कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया क्लीयर हुण आपां गल करिए कंप्यूटर की है कि जो हरजोत ने पहला तुहानूं क्लीयर भी किया कंप्यूटर की है एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है बट ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना तां तुहाडा एसे कंप्लीट होना है 10 marks दा सिर्फ पॉइंट्स तुहानूं पेपर विच दित्ते होने आ आ जिहड़े मैं पॉइंट्स लिखे ना तो हटके भी पॉइंट्स दित्ते हो सकते हैं उन्हां नूं तुसीं उहदे च कवर करना थोड़े पॉइंट भी लिखे हो सकते हैं पेपर दे विच तां प्रमुख नुकते कहिंदे इन्हां नूं उन्हां नूं तुसीं इलैबोरेट करना अपनी समझ नाल पर समझ किवें होनी चाहिए है कोई भी राइटिंग स्किल करन लग्या भावें उह तस्वीर वर्णन है भावें पत्र है निजी पत्र या दफ्तरी पत्र यही जिहड़े विषय ने उह निजी या दफ्तरी पत्र विच आ सकदे इन्हां दे विच तुहाडी वोकैबुलरी ते पकड़ होनी जरूरी है शब्दावली वाकां दी तरतीब होनी जरूरी है एक वाक दूजे नाल जुड़दा होना जरूरी है लड़ीवार एड़ी जिथे तुहाडा दिल कीता उत्थे कोई लाइन लिख दित्ती उहनूं कहिंदे आ कि तुहाडी राइटिंग स्किल की इंप्रैशन दिंदी है ठीक है बच्चे इस करके ये तुहाडी अपनी सैल्फ फ्रेमिंग है जिन्नी रीडिंग करोगे उन्नी तुहाडी वोकैबुलरी इनक्रीज होएगी तुहाडी नॉलेज अपडेट होएगी ते तुसीं लिख सकदे हो तुहाडी शब्दावली तुहाडी शब्दां दी बनतर शब्दां दी शुद्धता ये सारा कुछ तुहाडी राइटिंग स्किल च आउंदा है ठीक है गलतियां नहीं होनियां चाहीदियां जे स्पैलिंग मिसटेक्स ने तां तुहाडे नंबर कट्टे जाने चलो हुण आपां गल कर रहे सी कंप्यूटर की है कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है ये जो कि बिजली की धारा नाल चलता है बिजली की धारा नाल चलन करके यह सारे काम आसानी नाल हो जाते हैं गुंजल उलझे हुए काम भी आसानी नाल होने लग पे हैं इसके 3 parts ने मुख 3 parts ने केड़े केड़े भाग आदान भाग केंद्रीय भाग ते प्रधान भाग प्रधान नहीं लिखना प्रधान जो कि दिंदा है आदान भाग जिहड़ा है वह सूचनावां नूं एकत्र करता है केंद्रीय भाग नूं जिहड़ा आदान भाग है लोड़ींदियां सूचनावां भेजदा है ते केंद्रीय भाग केड़ा हुंदा है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट CPU उहनूं CPU नूं सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट आखदे ने उह की करदा है उह कंप्यूटर दा दिमाग है उहनूं जिहो जी सूचना मिलेगी उहदे अनुसार भेजी हुई सूचना दी जांच करके नतीजे प्रधान भाग नूं आ जांदे ने प्रधान भाग फिर नतीजे भेजदा है गल की है सिर्फ मनुख का की काम है कि जड़ी जड़ा सूचना देनी ना वह सही होनी चाहिए जे तुसी सूचना गलत दे दी तो कंप्यूटर का कोई कसूर नहीं उहदे च मनुख का कसूर है उन्हें उही नतीजा कढ़ना है क्लीयर है इत्थों तक सबनों क्लीयर हो गया बेटे यस बोलो बच्चे इत्थों तक सबनों क्लीयर है बेटे प्लीज क्लास रिस्पोंस दे दिया करो मैनू फिर आप अगे चलीए वेरी गुड चलो अगे चलीए आप हाँ जी भूमिका भूमिका बेटे कोई कोई डाउट है यस बेटे भूमिका भूमिका अनम्यूट योर सेल्फ बेटे चलो ठीक है आशिमा आशिमा नु डाउट है बेटे आशिमा हाँ जी बच्चे राघव सिडाना हाँ जी बेटे राघव बोलो बेटे गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग हाँ जी बच्चे मैम ये जो से पॉइंट्स आपने बोर्ड पे लिखे हैं ये हमको आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो क्यों नहीं बेटे मैं सेंड करांगी तुसी कहंदे तो क्यों नहीं सेंड करांगी बच्चे मैं कर देंगी सेंड सारे पॉइंट्स ठीक है बच्चे इन्हां नूं फिर एक्सप्लेन तुसी नोटबुक ते नहीं करना तुसी समझना है ठीक है ओके मैम नेक्स्ट कंप्यूटर की मनुख नूं देन की है कंप्यूटर की मनुख नूं बहुत वड्डी देन है इसने मनुख की दिमागी शक्ति दे विच वाधा कीता
मनुख ले हिसाब किताब रखना हर काम दे विच सूचनावां दी जानकारी इकट्ठी करनी किसी विषय बारे जानकारी लैनी बैंकों का हिसाब किताब रखना यह सब कुछ कंप्यूटर दे राही होण लग पे बिलों का भुगतान करना कोई भी विभाग का बिल है इस करके कंप्यूटर मनुख का की बन गया एक वफादार सेवक बन गया वफादार सेवक हुण आपां गल करिए मेन कंप्यूटर की वरतों कंप्यूटर की वरतों सब तो पहला पॉइंट बैंकों के कंप्यूटर की वरतों बैंकों के कंप्यूटर की वरतों ने कारण जिहड़े कस्टमर सन गाहक सन वह कितने तो वड्डियां वड्डियां लाइनों में कतारों में खड़ा होना पैंदा सी पैसे जमा कराने पैसे कढ़वाने चैक जमा कराने अपने खाते का हिसाब किताब देखना बहुत समा लग जाता सी पर अज कंप्यूटर की मदद के नाल यह सारा रिकॉर्ड सहजे ही तुसी घर बैठिया ही चैक कर सकते हो किवें इंटरनेट बैंकिंग हो गई है मिनटां सकिंटां विच तुसी अपने खाते खोल के सारा पूरा वेरवा चैक कर सकते हो इस तरह तुसी एक्सप्लेन करना तीन तीन चार चार लाइनां हुण आपां गल करिए अगला काम काजी दफ्तरां दे विच जिहड़ा मर्जी दफ्तर लै लो जिहड़ा मर्जी विभाग लै लो हर स्थान ते हर खेत्र विच कंप्यूटर ने बहुत वड्डा प्रभाव पाया वड्डे तो वड्डे गुंझलदार काम वड्डियां तो वड्डियां फाइलां सारा काम आसानी नाल होण लग पिया पहला एक काम लई कई कई रजिस्टर बनाए जांदे सन तुसीं आप ही देखो लिखत पढ़त दा काम हुंदा सी सारा दिन लिखी जाना चिट्ठियां आईयां ने कोई रिपोर्टां आईयां ने उन्हां नूं रिटन लिखना हुण अजकल की है सारा कुछ कंप्यूटर विच फीड किया जांदा है जिन्नियां मर्जी वख वख फाइलां ने वख वख रजिस्टर ने उन्हां नूं कंप्यूटराइज किया गया कंप्यूटर कृत कहिंदे ने इन्हां नूं पंजाबी च कंप्यूटराइज नूं कहिंदे आ कंप्यूटर कृत किया गया हर निक्की तो निक्की वड्डी तो वड्डी सूचना वड्डी तो वड्डी जानकारी कंप्यूटर विच सांभी हुई है जदों तुहाडा जदों तुहानूं कोई भी रिपोर्ट चाहीदी है कोई भी फाइल चाहीदी है तुसीं बड़ी आसानी नाल बड़ी ही थोड़े जे समय दे विच ही सारा कुछ खोल के वेरवा चैक कर सकते हो इस तों इलावा अगे तो टाइपिंग मशीनां सी स्टैनोग्राफ रखे जांदे सन इह वी काम इहदे विच ही सिस्टम है तीनों भाषावां अंग्रेजी होए पंजाबी होए हिंदी होए तीनों भाषावां दा टाइपिंग दा प्रबंध इसे सिस्टम विच है इह तुसीं किहदे च लिखना कामकाजी दफ्तरां दे विच हुण आपां गल करिए अगला पॉइंट आंदा विद्यक अदारियां विच उह तुसीं अपने आप ही लिख सकते हो कि विद्यक अदारियां दे विच तां कंप्यूटर तो बिना गुजारा ही नहीं है फस्टली तां इह लिखोगे कि विद्यक अदारियां विच बच्चियां दे लई कंप्यूटर विशा लाजमी है लाजमी विषय के तौर पर यह विद्यक अदारे में पढ़ाया जाता है पहली क्लास तो लैके बारहवीं क्लास तक बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं प्रैक्टिकली थ्यूरी सारा कुछ पढ़ते हैं फिर कंप्यूटर के पेपर होंगे ने इस तो इलावा विद्यक अदारे के रजिस्ट्रेशन का काम फीसा का काम प्रीख्यावान का काम प्रीख्यावान के नतीजे सारा कुछ कंप्यूटर राही कंप्यूटर की मदद न होंगे विद्यक अदारे स्कूलों कॉलेजों के अजकल जदों करोना महामारी ने इन्ना मारू प्रभाव पाया अजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी कंप्यूटर की मदद नाल करवाई जा रही है ता जो बच्चे घर बैठ के सुरक्षित रूप में कंप्यूटर से ही पढ़ाई कर सकन कंप्यूटर की मदद के नाल हाँ वक् वक् टीचिंग ऐप है पर कंप्यूटर की मदद नाल मोबाइल की मदद नाल पढ़ाई कर रहे हैं जो तुसी कंप्यूटर का लेख कर लिया ना तो मोबाइल का लेख अपने आप आ जाना मोबाइल दे विच सेम सारे फीचर्स ही आने मोबाइल दी मदद नाल असी सारा कुछ करते हैं घर बैठे ठीक है नेक्स्ट है सेहत दे खेत्र विच डॉक्टरी खेत्र दे विच कंप्यूटर ने कमाल कर दिखाया कि कोई भी जड़ा मरीज़ है किसी भी तकलीफ नाल पीड़ित है उसकी जांच करके कंप्यूटराइज जांच करके उसका समय सिर इलाज किया जाता है ला इलाज बीमारियों का इलाज समय सिर किया जाता है अजिहियां मशीन आ गई ने जिन्हां नाल शरीर के अंगां की तकलीफ जिथे भी कोई है उसकी जांच करके स्कैनिंग करके एक्सरे राही समय सिर इलाज किया जाता है तो मारू बीमारियों पर काबू कर लिया गया नेक्स्ट है
संचार के खेत्र दे विच कंप्यूटर ने एक तरह की हरी क्रांति लियांदी है, क्योंकि इंटरनेट की तार जुड़न दे नाल असी संसार नाल जुड़ गए हैं। संचार के साधन होंगे कि असी घर बैठिया ही मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सहूलत दित्तियां ने, ये संचार के साधन कंप्यूटर के करके ही प्रदान हो सके है। असी घर बैठिया ही देशों विदेशों के विच अपने व्यापार वधा सकते हाँ, अपने रिश्तेदारां दे नाल अपनियां भावनावां सांझियां कर सकते हाँ। ये संचार के साधन सानू कंप्यूटर के करके ही संभव हो सके हैं। क्लीयर है बेटे? इस तो बाद आता है पुलाड़ के खेत्र विच कंप्यूटर की मदद के नाल मनुख अज चंद ते पहुँच गया। बहुत सारिया खोजा हुई ने, पता चलता है पुलाड़ के खेत्र विच धरती से किन्नियां फसलां हुई, किन्ना झोना बीजा गया, कि फसल खराब हो रही है, कि तबाही के रस्ते से चल रही है, कुदरती करोपियां के बारे ये सारा कुछ सैटेलाइट के राही सानू पता चलता है। मौसम बारे जानकारी प्राप्त होंगी है, अगे नाल ही लिखना मौसम बारे भरपूर जानकारी पता चलती है कि ग्लोबल वार्मिंग कारण किन्ने भयानक सिट्टे निकलणगे, आने वाले समय में कित्थे भूचाल आने वाले ने, कित्थे हड़ आने वाले ने, कित्थे मीह की मार पएगी, ये सारा कुछ सानू कंप्यूटर राही पहले ही प्रेडिक्शन हो जाती है। इन्ना कुछ सानू सब कुछ किदे करके है, कंप्यूटर युग होण करके। उस तो बाद गल करिए रिजर्वेशन होने लग पई है, घर बैठे ही तुसीं जे कितें जाना है ना, तुहानू लाइना दे विच अपनी टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही तुसीं अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हो। हवाई अड्डिया ते जाने की लोड़ नहीं है, रेलवे स्टेशन ते जाने की लोड़ नहीं है, घर बैठे ही तुसीं अपनी टिकटा बुक करवा सकते हो। क्लीयर है बेटे? घंटिया घंटा बद्धी लाइना दे विच खड़े होने की खज्जल खुआर होने की जरूरत नहीं है। हुण आपां गल करिए अपराध ते अपराधियों का पता लगाउण विच कंप्यूटर ने बहुत मदद की है। अज कोई भी जड़ा अपराध करता है, कोई भी क्राइम हो रहा है ना, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो वह बचा नहीं जा सकता, वो दोष मुक्त नहीं हो सकता। उन्हां दियां मुजरमां दियां जड़े भी मुजरिम ने, उन्हां दियां फोटोआं पता लग जांदियां ने, उन्हां दे फिंगरप्रिंट्स पता लग जांदे ने, सब कुछ कंप्यूटर की मदद नाल, वो तो कंप्यूटर की मदद नाल अपराधियों नूं पकड़िया जा सकता है। हुण आपां गल करिए दी सुवरतों जां दुरवरतों। कंप्यूटर की सुवरतों साडे लई वर है, दुरवरतों साडे लई सराप है। इहदी सुवरतों होनी चाहिए, इह साडी जिंदगी दा अहम हिस्सा है, इस तो बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अज की जिंदगी विच कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन्हें मनुखी जिंदगी नूं सुखावा बनाया है। अज मनुख अपनी जिंदगी का कोई भी भेद जानना चाहता है, ये कंप्यूटर के राही संभव हो सकता है। कंप्यूटर का जेकर मनुख नूं ज्ञान नहीं तो वह जिंदगी के बहुत सारे भेदों तो अनजान है। ये लिखना है लास्ट से सारांश के विच, पर गल सिर्फ इन्नी है कि जिंदगी विच इसकी जे वरतों में लियाना हुण जरूरी हो गया। कंप्यूटर अज की स्थिति नूं भी अजोकी स्थिति नूं ध्यान च रख के भी कंप्यूटर तो बिना तो कोई गल बनती नहीं है, कोई भी काम काज सही तरीके नाल नहीं हो सकता। इस करके जरूरत है कंप्यूटर की सही वरतों की जाए, सुवरतों की जाए। वक् वक् वैबसाइटा खोलो, भरपूर जानकारी लो, ज्ञान विच वाधा करो, पर अजिहियां वैबसाइटा ना खोलियां जान जिन्हां नाल तुसी मानसिक तनाव दे शिकार हो जाओ, तुहाडी सेहत ते बुरा प्रभाव पवे, तुहाडी जिंदगी विचों नैतिकता दूर भज जाए, तुहाडी जिंदगी च अनैतिकता का प्रभाव आ जाए, तुहाडी नैतिकता का पद्धर गिरावट विच चला जाए। अजिहियां वैबसाइटा तो दूर रहना, इहनू कहिंदे आ कि सुवरतों करनी है, दुरवरतों नहीं करनी है। तुसी अपनी लैंग्वेज लिखना, पर दुख की गल है कि जे अजकल दे विद्यार्थी जीवन में देख लो, होर नौजवान पीढ़ी देख लो, वह अपनी जोड़ा ज्ञान च वाधा तो की करना है, वह कंप्यूटर से वक् वक् गेम खेड के अपने आप को कराए रस्ते पर पा रहे हैं। समय की भी बर्बादी, अपनी जिंदगी की भी बर्बादी, भविख भी हनेरे विच जा रहे हैं। इस करके कंप्यूटर वरदान सिद्ध हो सकता है अज की पीढ़ी लई, अजोकी पीढ़ी लई, जेकर इसकी सही वरतों की जाए। क्लीयर है बेटे? एनी डाउट फ्रॉम यूर साइड? एनी डाउट? किसी नूं कोई डाउट हो? यस बच्चे, हुण आपां गल करिए मुहावरे, गग्गा भाग मुहावरे। यस बच्चे, स्टार्ट करिए गग्गा भाग मुहावरे। अपनी बुक ते देख लो, ग्रामर बुक दे अकॉर्डिंग भी करने ने ते एक्सट्रा भी। सब तो पहला कल आपां मुहावरे स्टार्ट किते सी, शायद 10th B क्लास स्टूडेंट्स नूं पता है कि आपां शायद दो तीन मुहावरे कर ले सी बच्चे,
यस बच्चे प्लीज रेज योर हैंड्स। कल केड़े केड़े मुहावरे किते सी बेटे भूमिका? दो मुहावरे किते सी, दो तीन मुहावरे? भूमिका मैम इतना किता से गद गद होना। हाँ यस बेटे, एक होर किता से गहने पाना। ठीक है बच्चे, गहने पाना। चांद टेंथ ए क्लास चांद, बेटे कोई डाउट है? चलो स्टार्ट करिए। फर्स्ट इज गदगद होना, बहुत खुश होना। तुसी सबने मुहावरे का वाक भी बनाया सी। मुहावरे किवें वाक बनाने हन? आम जिंदगी चो, समाजिक जीवन चो, घरेलू जीवन विचो, सोच समझ के सिंपल वाक बनाने हन। सिंपल वाक बनाने हन और छोटे छोटे वाक बनाई देने, कॉम्प्लीकेटेड वाक नहीं बनाने, जिहड़े कि सबनों समझ आ जाण तां जो तुहानू प्रॉपर नंबर मिल जाण। क्योंकि वाक बनाने हुण जरूरी हन। यह हुण बहु विकल्पी विच नहीं आना। बहु विकल्पी दे विच समासी शब्द आने हन, बहु अर्थक शब्द ते क्रिया विशेषण, अगेतर पिछेतर और मुहावरियां दे छोटे प्रश्न आने हन। सब तो पहला गदगद होना, नोट करो, गदगद होना, खुश होना। कोई भी खुशी की न्यूज है तां असी जो भी कोई खुश खुशी की खबर सानू मिलती है, कोई भी खुशी के पल असी इंजॉय करते हैं तो असी गदगद हो जाते हैं। ठीक है, कौन बनाएगा वाक? यस बेटे, द टू क्लासेस के स्टूडेंट्स है, तुसी वाक बना सकते हो इजीली। बेटे प्लीज रेज योर हैंड्स। अर्शीन वाक बनाओगे? अरमान, बहुत सारे बच्चों के हैंड। प्रभनूर, हाँ जी प्रभगुन, प्रभगुन बनाएगी। अच्छा यस, मैं अपनी दसवीं का नतीजा देख के गदगद हो गई। यस, मैं अपनी दसवीं का नतीजा देखा, कमाल ही हो गया, मैं पहले दर्जे ते आई, मैं तो गदगद हो गई। सेकंड वन इज गहने पाना। गहने पाना, रुपए दे बदले कोई चीज रखनी, रुपए दे बदले कोई चीज रखनी। हाँ जी, वाक बनाओ बेटे, वाक बनाओ। कौन बनाएगा? बलजिंदर, बलजिंदर। भूमिका, हाँ जी बेटे भूमिका बनाओ वाक। मैं मानसिक तंगी के कारण उन्होंने अपना पुश्तैनी हार गहने पाना पड़ा। यस, कोई भी घर विच आर्थिक तंगी आ गई है, कोई कारज रास करने हैं, धी का विआह रखा है, पैसे की कमी है, तो राम सिंह नूं अपनी धी का विआह रखन लई, धी का विआह करन लई अपनी जमीन गहने पाउणी पई। इस तरह के वाक छोटे छोटे बनाने हैं। नैक्सट है बटे, नैक्सट वन इज गल गल पाउणी आना, गल गल पानी आना, फिक्रमंद होना। फिक्रमंद होना, यस बेटे एदा वाक बनाओ। गल गल पानी आना, फिक्रमंद होना। फिक्रमंद विच मंद पिछेत्र लगा होया, अकलमंद, सेहतमंद, फिक्रमंद। बोलो बच्चे, गल गल पानी आना। अजकल महंगाई ने इन्ना लक तोड़ के रख दिता कि बेचारे गरीबां दे तां गल गल पानी आया होया। अंशिका बनाएगी वाक। यस अंशिका, बोलो बेटे अंशिका। यस मैम, यस मैम। अमर अमन दे इम्तिहान आने वाले हैं, इस करके उस दे गल गल पानी आया पिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेरी गुड, गल पिया ढोल बजाना। ये तो नु आंदा ही है, ये तो विद्यार्थी जीवन विचों भी है। अनचाया काम करना, ना चाहते हुए, अनचाया जा ना चाहते हुए, अनचाया काम करना, अनचाया काम करना जा ना चाहते हुए काम करना। की वाक बनाओगे? अपनी स्टूडेंट लाइफ चो ही बनाओ। हुण देखो ना, बहुत सारे बच्चों के लिए तो जिवें ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, गल पे ढोल बजाना, पर मजबूरी बस लगानियां तो पैनिया ही है ना, है ना। कई बच्चे तो लगा के पता नहीं किधर मस्त हो जाते, ताही तो वीडियो नहीं ऑन करते। सब तो पहला टीचर कहें भी अपनी वीडियो ऑन करो, टर्न ऑन योर वीडियो,
टीचर्स बार बार कहते हैं पर नहीं आप वीडियो नहीं ऑन करनी ना क्योंकि अनविलिंगली क्लासेस लगानियां हैं यही है ना बच्चे लिखो फिर कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करनी ऑनलाइन पढ़ाई करनी गल पे ढोल बचाना है ठीक है बच्चे बाकी कल की क्लास नैक्सट क्लास करांगे तुसी हुने मुहावरे भी रिवाइज कर लेने हैं और लेख भी प्रॉपर वे नाल तैयार कर लेना है थैंक यू सो मच टेक केयर बेटे